मदर्स डे इट हैज़ बीन रिटन बाई जे बी प्रेस्टली जे बी प्रेस्टली हुज बीन वेरी डिस्टिंग्यूज एंड एमिनेंट इंग्लिस आथर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मदर्स डे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द लेशन मदर्स डे डील्स विद एन इश्यू दैट कंस ऑल वीमेन द वर्ड ओवर the position of a woman in the family is pitiable both as a wife as, and as a mother she is neglected and ordered about by the entire family her duties are unlimited with no weekend break for recreation or change j.b. presley discusses the issue in a humorous and satirical manner यर आर द टू फेसेस ऑफ ओमेन द लिबरेटेड डिफाइंड एंड असर्टिव मिसेस फिडजारेल्ड गिव्स अ प्रैक्टिकल डेमोनास्ट्रेशन ऑफ हाउ द डुसाइल डुसाइल मीन्स सब भोला मिससेस पियर्सन कैन बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ हर हाउस सी सजेस्ट्स रफ ट्रीटमेंट एज ओनली इफेक्टिव मेथड सी सॉक्स द फैमिली विद हर स्मोकिंग And drinking and fighting mood she is able to do so by using a spell and putting her own spirit into the body of her neighbor they all feel miserable and agree to do what mrs pearson demands the solution of the problem is a bit harsh crude and not very practicable now we shall study complete summary of the lesson इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन यू नो या एक वन एक्ट प्ले है एकांकी इस एकांकी नाटक में कुल फोर कैरेक्टर्स हैं मिसेज मिसेज एनी पियर्सन एंड हर हस्बैंड जॉर्ज सन सायरल एंड डॉटर डोरिस और उनकी एक नेबर है पड़ोसिन मिसेज फिट यह जो इवेंट है घटना है वो मिसेज पियर्सन की बैठक में होती है सिटिंग रूम में घर लंदन के उपनगर में बना हुआ है और ये जो टाइम है दोपहर के बाद का समय है मिसेज पियर्सन तथा तो मिसेज फिटर आइल्ड पड़ोसी है। नेबर हैं मिसेज पियर्सन एक अच्छे स्वभाव वाली पर कुछ चिंताग्रस्त चालीस फोर्टी ईयर्स से अधिक आयु की महिला है, वह थोड़ी सी दबू स्वभाव की हैं उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है यद्यपि वे उसे एक घरेलू नौकरानी ही समझते हैं मिसेज फिटजरल्ड कुछ अधिक आयु की भारी बदन तथा थोड़ी सी हर्षपुष्ट महिला हैं वह प्रेडिक्टर हैं भविष्यवक्ता। उसने यह ज्योतिष विद्या किसी एशियाई देश में सीखी थी उसने बारह वर्ष वहाँ बिताए थे वह धूम्रपान भी करती हैं मतलब स्मोकिंग भी करती हैं बियर भी पीती हैं और वो कार्ड्स इनकी ताश भी खेलती हैं दोनों महिलाएं साथ बैठी दिखाई देती हैं जैसे पर्दा ऊपर उठता है या घर है मिसेस पियर्सन का वह अपनी पड़ोसन को अपनी राम कहानी सुनाती हैं मतलब अपनी स्टोरी बताती हैं अपने बच्चे डोरी सायरल जो उसके वयस्क हो गए हैं पर दोनों ही आत्म केंद्रित तथा विचारहीन हैं सेल्फ सेंटर्ड हैं वो और थाटलेस हैं वे किसी दफ्तर में काम करते हैं पर घर लौटते ही उन्हें बाहर जाकर मौज मस्ती करने की हड़बड़ी बनी रहती है वे चाय मांगते हैं तथा अन्य सेवाओं को भी डिमांड करते हैं जैसे कपड़ों को प्रेस करके देना इस प्रकार की कई आर्डर को मिसेज पियर्सन बहुत ही सहजतापूर्वक करती हैं और अपने हस्बैंड के लिए भी जो आर्डर होता है उसको भी करती हैं मिसेज फ्रिजरेल्ड का जो थोड़ा सा जो करेक्टर है थोड़ा सा रोबदार है वो बोल्ड लेडी हैं वो ये समझती हैं कि मिसेज पियर्सन को भी बलवान होना चाहिए ये परिवार की मिस्ट्रेस मालकिन बन के रहें ना कि नौकरानी ऐसा करके वो एक दिन उनके घर आती हैं और मिसेज पियर्सन को कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो तुम्हें भी इस तरह से स्ट्रिक्ट होना चाहिए मैं मानती हूँ कि तुम अपने बच्चों से या अपने परिवार से फैमिली से बहुत लगाव रखती हो उन्हें स्नेह प्रेम करती हो उनके सारे डिमांड्स को पूरा करती हो लेकिन वो लोग तुम्हारी क़दर तो नहीं समझते इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा और इसके लिए मेरे पास एक रास्ता है मिसेज पियरसन करती हैं वो क्या है कहीं देखो मेरे पास एक इसका बहुत अच्छा फार्मूला है मैं जिस फार्मूला को करती हूँ अगर तुम इसको कर लोगी तो मेरा वाला जो पर्सनालिटी है व्यक्ति तो तुम्हारे अंदर आ जाएगा और जो तुम्हारा पर्सनालिटी है वो मेरे अंदर आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि तुम मैं जैसी हूँ ऐसा तुम बर्ताव करोगी इससे तुम स्ट्रिक्ट इस बोल्ड हो जाओगी तुम्हारे फैमिली वाले धीरे 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 इस चीज़ को जब देखेंगे तो हैरान होंगे परेशान होंगे फिर उनको धीरे धीरे से बात समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा वैल्यू इंपॉर्टेंस क्या है फैमिली में और उसके बाद तुम जैसी थी वैसे फिर हो जाना लेकिन कुछ समय के लिए तो तुमको ऐसा होना पड़ेगा मिसेज पियर्सन तो पहले ही चकती हैं लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके बाद होता क्या क्या है कि डोरी जो है आती है घर पे कहती है मेरे कपड़े कहाँ हैं आज मुझे जाना है मुझे चाली के साथ बाहर निकलना है मेरा ड्रेस कहाँ है उसको प्रेस करके दो चाय कहाँ है वो बैठी हैं चुपचाप बैठी हुई हैं सिगरेट पी रही हैं देख करके डोरिस हैरान हो जाती है कि ये साथ मम्मी को क्या हो गया है और सब होता क्या है ये ऐसे होते क्या करती क्या मिसेज फिड सच बात यह है कि मिसेज फिड उनके साथ बैठती हैं और थोड़ा सा कुछ हाथों में हाथ उनका पकड़ के और वो हाथों में हाथ में लेकर कुछ मंत्रोच्चारण करती हैं उस समय घर में फैमिली में कोई नहीं रहता केवल मिसज पियर्सन और मिसेज फिडजयरैल रहती हैं और वो कहती हैं इस तरह से अष्टम डम अष्टम डम अष्टम डम इस तरह से करते करते डम 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 और इस प्रकार से क्या होता है कि तुरंत उसका मंत्र का असर पड़ जाता है वो दोनों शिथिल पड़ जाती हैं पर शीघ्र ही उनमें जान आ जाती है और उनका व्यक्तित्व चेंज हो जाता है अब मिसेज पियर्सन साहसिक तथा रोबदार बन जाती हैं तथा मिसेज फिडजरे घबरा जाती हैं वह देखती हैं कि उसका शरीर बदल जा गया है और वह चीख मारती हैं मिसेज पियर्सन जिसके अंदर मिसेज फिटचरल्ड का व्यक्तित्व समा गया है अपने परिवार को दुरुस्त करने के लिए तैयार हो जाती हैं पर असली मिसेज पियर्सन को आश्वस्त कर दिया जाता है कि दोनों का व्यक्तित्व बदलाव भी आसानी से हो जाएगा अब नई मिसेज फिटचरल्ड को कहा जाता है कि वह अभी घर लौट जाए और कुछ समय पश्चात आए इसके बाद डोरिस जो बीस वर्ष से ऊपर की है सुंदर युवती है कमरे में तेज़ी से परिवेश करती व बिगड़ी हुई बच्ची है वह माँ से दो चीज़ें मांगती है पहली पोशाक प्रेस कपड़ा चाय माँ को देखती है कि वो स्मोकिंग कर रही हैं हैरान हो जाती है उसे बड़ी ठेस लगती है कि अभी तक वो तैयार चाय नहीं तैयार है क्योंकि उसको एक बॉय फ्रेंड चार्ली स्पेंस के साथ घूमने के लिए बाहर निकलना है माँ उसकी पोशाक न तो प्रेस करके देती है और न तो उसके लिए चाय देती है वह चाली स्पेंस की भी जो है क्रिटिसाइज करती है और पीली पोशाक की जो भर्सना करती है कहती है ये लो ड्रेस तुम्हारा बिल्कुल बेकार है कोई मतलब नहीं इसका चाली जिससे तुम मिलने जा रही हो बाहर वो तो बाहर उसका दांत निकला हुआ है वो तो मंदबुद्धि का डल माइंडेड है डोरी सोने लगती है उसके बादशाह जो है सारे उनका जो लड़का हो आता है चाय मांगता है देखता है अरे चाय नहीं मिल रहा है तो भी हताश हो जाता है उसके वस्त्रों को ना तो बाहर निकाला गया है और ना ही उसकी मरम्मत की गई है वो सोचता है कि माँ की तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहे माँ का लग रहा है कि दिमाग को जो है डिस्टर्ब हो गया है माँ बताती है कि उसे भी अपनी दिनचर्या में सप्ताह में एक दिन छुट्टी कम से कम मिलनी चाहिए डोरी कमरे में आती है उसके एक से उसने एक साल लपेटा हुआ है माँ कहती है कि तुम बहुत ख़राब दिख रही हो फिर रोने लगती है थोड़ी देर ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ देर के बाद अब आते हैं मिसेज पियर्सन के हस्बैंड जॉर्ज पियरसन वो घर लौटते हैं पचास वर्ष के भारी बदन वाले तथा अडम्बरी व्यक्ति हैं वो आते हैं देखते हैं कि उनकी जो मैडम है वो बैठ करके यहाँ पर ड्रिंक कर रही हैं बीर पी रही हैं तो कहते हैं ठीक है, है मैश्नवर मैच देखने मुझे जाना है मैं बाहर जाकर भोजन कर लूँगा यानी करारा जवाब देती है मुझे मालूम है कि आप क्या करते हैं बाहर आपका लोग कितना आर्डर मानते हैं सब आपको बाहर पॉम्पी ओम्पी कहते हैं मंद गति से चलने वाले आडंबर व्यक्ति आप हैं इस प्रकार को सुनकर के वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन साइरल जो उनका लड़का है इसकी सर, इसको सर्टिफाई करता है कि हाँ ऐसा है डैडी को एक्सर क्लब के जितने भी मेम्बर हैं वो पीछे पीठ पर उनके जो है पॉम्पी ओम्पी कह के उनको चढ़ाते हैं जॉर्ज को बड़ा ठेस लगता है वो भी बाहर चले जाते हैं सायरल माँ को कहता है कि आपको डैड की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी पर माँ तर्क देती है कि लोगों की भावनाओं को कभी कभी चोट लगने से ही उन्हें लाभ मिल पाता है वह सुझाव ये भी देती है सजेस्ट करती है कि जॉर्ज को इतना अधिक क्लब नहीं जाना चाहिए और उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है तब तक दरवाजे पर खटखट होती है साइरल दरवाज़ा खुलता है तो बताता है कि वही बूढ़ी मूर्ख पड़ोसन आई है मिसेज पियर्सन उसे डांटती है कि तुम उसको आप शब्द क्यों कह रहे हो वो हमारी नेबर है वो मेरी फ्रेंड है उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग हटते हैं मिसेज पियरसल दोनों लोग साथ में बैठते हैं इस तरह से देख करके सारा सिचुएशन मिसेज फटरल कहती हैं कि अब सब ठीक हो रहा है अब तुमको परेशान नहीं होना चाहिए धीरे धीरे सब लोग रास्ते पर आ जाएंगे लेकिन मिसेज पेर्सन को बड़ा दुख होता है कहती नहीं नहीं अब बहुत दिन तक ये चलने वाला नहीं है मुझे बड़ा तरस आ रहा है इन लोगों पर और ये अब अच्छी बात नहीं है कृपया जैसे मैं थी वैसे ही मुझको फिर कर दो कहती थी, अच्छा ठीक है लेकिन अब तुम ध्यान रखना कि तुम आगे से ऐसे स्ट्रिक्ट रहना था कि तुम्हारी भी घर में वैल्यू रिस्पेक्ट बनी रहे ठीक है इतना हो गया फिर वो उसके हाथों में हाथ पकड़ करके फिर वही फार्मूला मंत्र मानती हैं अस्टर डम डम अस्टर इतना कहने के बाद डम 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 उसके बाद फिर वो पर्सनालिटी फिर एक दूसरे में चेंज हो जाता है अब जो मिसेज पियर्सन की पर्सनालिटी थी वो हो जाती है और मिसेज फिडजरेड की जो पर्सनालिटी थी वो चेंज यानी कि दोनों अब फिर अपने अपने स्थान पे आ जाते हैं तो इस तरह से ये लेसन जो है ओवर तो होता है लेकिन मिसे यहाँ पर प्रेस्टली ने यही जो है मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो वीमेन हमारे सोसाइटी में निगलेक्ट की जाती हैं या उनको केवल हम लोग एक सर्विंग लेडी की तरह से समझ लेते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए सी हैज़ आर स्पेशल रिगार्ड एंड स्पेशल प्लेस इन एंड पोजिशन इन फैमिली तो उनका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए और वी आर लिविंग इन इंडिया वी मस्ट रिस्पेक्ट वीमेन हीयर वी लर्न फ्राम आवर ओन सन्स्टर्स एंड आवर ओन क्लासिक्स बुक्स आल्सो सो मदर इज लाइक गॉडेस सो ओके I think all of you have understood this lesson. Thank you.